जब आप कोई प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाने जाते हैं तो उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। डिज़ाइनिंग हो गई, कोडिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गई, फिर उसकी टेस्टिंग है, फिर डिप्लॉयमेंट है। ये सारा का सारा प्रोसेस एक एप्लीकेशन लाइफ साइकिल का पार्ट होता है जिसके थ्रू आप गुजरते हैं, आपकी एप्लीकेशन गुजरती है और आप उसको टेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। ये सारे स्टेप्स आपको एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। ईथेरियम की डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन भी कोई डिफरेंट नहीं है, वो भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, तो उसमें भी ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पूरा एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो आपकी सॉलिडिटी की जो एप्लीकेशन है, जो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं ईथेरियम के लिए, उसमें भी डिज़ाइनिंग होगी, बिल्ड होगा, टेस्ट होगा, डिप्लॉय होगा, ये मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। अब अगर आप रिमिक्स के थ्रू सिर्फ कोड लिखें, उसको चलाएं, डिप्लॉय करें, ये बहुत आसान लगता है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाने जाते हैं तो उसमें टेस्टिंग करना, टेस्ट केसेस लिखना, उसको डिप्लॉय करना, ये सारा का सारा काम एक प्रोसेस के थ्रू किया जाता है ताकि वो एक प्रोसेस में हो और ये सारे स्टेप से गुजरे, ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज हुआ हुआ हो, ना कि आप अलग अलग चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। इसके लिए आपको एप्लीकेशन के ऐसे टूल यूज़ करने पड़ते हैं जो कि आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा प्रोसेस मैनेज करके दें। क्योंकि सॉलिडिटी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उससे डिफरेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो सपोर्ट करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, सॉलिडिटी को, इस एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए। एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल पूरा का पूरा अगर आप टेस्टिंग, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट पूरा का पूरा अगर फॉलो करें तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट आता है क्योंकि आपको ये सारा कुछ स्टेप्स मैन्युअली फॉलो अगर करने पड़े। तो आपको एक ऑटोमेटेड प्रोसेस चाहिए जो कि चंद कमांड्स की बेसिस पे आपको टेस्ट भी कर दे, डिप्लॉय भी कर दे, आपका प्रोसेस आसानी से चल जाए। उसके लिए आपके पास जो टूल मौजूद है वो है ट्रफल। ट्रफल आपके पूरे एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को मैनेज कर देता है बहुत ही आसानी से।